दुर्भाग्य है हमारा। मैंने ताकि जल सुलभ हो सके इसलिए मैंने हिंदी में भगवद गीता का हिंदी पद्य में अनुवाद किया है, उसका नाम रखा है मोहन गीता। मोहन गीता, भगवान मोहन को तो आप जानते ही हैं, मुझे भी जान लीजिए। मो से मोहम्मद, ह से हनीफ और आदिर अकीर सहता खान का मैंने मोहन तो मोहन गीता मोहम्मद हनीफ खान, मैं भी उसमें अपने आप को घुसेड़ दिया। तो ये मैं बता रहा था कि रोजा जो है ये नहीं बताया गया, लेकिन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक से लेकर 62वें श्लोक तक ये बताया गया कि आपको रोजा क्यों रहना है। हर इंसान को, सिर्फ मुस्लिम को नहीं, हर इंसान को रोजा व्रत उपवास क्यों रहना है, ये भगवत गीता बता रहा है। बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसबाल्यं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं कि जो निराहार शरीरधारी लोग हैं उनकी इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। निराहार रहने का मतलब ये नहीं कि खाने की चीज पसंद लायक नहीं है इसलिए छोड़ दिया, या बासी है इसलिए छोड़ दिया, या मैं बीमार हूं इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं। परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परम का आदेश, उस परम का चिंतन करके हमारे पास जितने भी उत्तम से उत्तम प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं उसको भी